जी हाँ दोस्तों, तीसरे दिन के खेल में आया जिंक के रहाड़े का खतरनाक तूफान। कंगारू गेंदबाजों को मार मार कर बनाया भरता। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में आज तीसरे दिन के खेल में जिंक के रहाड़े ने इंग्लैंड के ओवल के मैदान पर सुनामी हिलाकर रख दिया है और कंगारू गेंदबाजों को मार मार कर उनका भरता ही बना दिया है। तो वहीं शार्दुल ठाकुर ने भी कंगारू गेंदबाजों की ऐसी खौफनाक पिटाई करी है कि कंगारू गेंदबाज थर थर कांपने लगे हैं। तो दोस्तों बताएंगे आपको तीसरे दिन के खेल में कैसे अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर ने कंगारू गेंदबाजों की जमकर पिटाई करी है और टीम के स्कोर को अब एक मजबूत सीरीज तक पहुंचा दिया है। तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको क्या लगता है कि WTC का फाइनल मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम जीतेगी, हमें अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड के ओवल के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेल रही है, जहां आज खेल का तीसरा दिन था। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जिसके बाद कंगारू टीम ने भारतीय गेंदबाजों की जबरदस्त कुटाई करी थी और जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा ट्रेविस हेड ने 163 रन बनाकर भारतीय खेमे में तूफान ला दिया था। इसके अलावा स्टीव स्मिथ ने भी भारतीय गेंदबाजी की कुटाई करी है, जिसमें स्टीव स्मिथ ने 130 रन कूटे थे। इन दोनों ही बल्लेबाजों की खतरनाक और धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह जैसे ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपनी पहली पारी में 469 रनों का विशाल लक्ष्य भारतीय टीम के सामने खड़ा कर दिया है। दोस्तों पहली पारी में हमारी भारतीय टीम के गेंदबाजों ने जमकर पिटाई खाई और टीम इंडिया की पूरी तरह से लुटिया डूब गई। और वहीं कंगारू टीम को 469 रनों पर ऑल आउट करके हमारी भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने आई तो भारतीय बल्लेबाजों ने भी टीम इंडिया की लुटिया डूबने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों जब गेंदबाजों ने बेहद ही घटिया खेल का प्रदर्शन किया था तो सभी को उम्मीद थी कि बल्लेबाजी में हमारी टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन कंगारू गेंदबाजों के सामने हमारे भारतीय बल्लेबाज ऐसी घटिया बल्लेबाजी करी जैसे कि टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला नहीं बल्कि गली क्रिकेट खेल रही हो। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने केवल 15 रन बनाए और सुमन गिल ने मात्र 13। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा ने 14 रन और विराट कोहली ने केवल 14 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों आपको बता दें कि 70 रन तक भारत ने 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद रविंद्र जडेजा और रहाणे ने 5वें विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी निभाई। रविंद्र जडेजा ने तो शानदार पारी खेली और 48 रन बनाए, लेकिन वे भी कंगारू गेंदबाजों के सामने नहीं टिक सके और नाथन लायन की गेंद पर स्लिप पर कैच आउट के रूप में अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों जब आज तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो श्रीकर भरत से उम्मीद थी कि वे आज अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर भारतीय टीम की लड़खड़ाती पारी को संभालेंगे, लेकिन जैसे आज तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो शुरुआत में ही भारतीय टीम को श्रीकर भरत के रूप में बड़ा झटका लगा और श्रीकर भरत सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब ऐसे में यहाँ से भारतीय टीम की पारी को आगे बढ़ाने की सारी जिम्मेदारी अजिंक्य रहाणे के साथ शार्दुल ठाकुर के कंधों पर आ गई थी, लेकिन शार्दुल ठाकुर भी ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने नाचते नजर आ रहे थे, क्योंकि आज तीसरे दिन के खेल की शुरुआत में ही शार्दुल ठाकुर को 2 जीवनदान मिला। सबसे पहले उमरान ख्वाजा ने उनका कैच छोड़ा था जब उनका खाता भी नहीं खुला था। शार्दुल ठाकुर इस वक्त सिर्फ चौथी गेंद खेल रहे थे। इसके बाद कैमरून ग्रीन ने भी उनका कैच छोड़कर उनको 8 रन के स्कोर पर जीवनदान दिया था। हालांकि इस बीच भारतीय टीम के लिए सबसे अच्छी बात यही थी कि अजिंक्य रहाणे एक तरफ शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और पैट किमिस की गेंद पर शानदार छक्का लगाने के साथ ही 92 रन में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोस्तों अजिंक्य रहाणे का ये टेस्ट में उनका 26वां अर्धशतक था। उनकी शानदार पारी के चलते टीम इंडिया का स्कोर 200 रन के करीब पहुंच गया था, जिसमें भारतीय टीम का स्कोर इस दौरान 47वें ओवर के बाद 6 विकेट पर 196 रन था। वहीं रहाणे के साथ साथ शार्दुल ठाकुर की भी तारीफ करनी होगी। उन्हें कंगारू गेंदबाजों ने काफी परेशान किया, उनके शरीर पर गेंद मारी जिसकी वजह से 2 बार शार्दुल ठाकुर भी घायल हुए, उनके हाथों में गहरी चोट लगी, लेकिन इसके बावजूद शार्दुल ठाकुर मैदान पर टिके रहे और कंगारुओं को अपना विकेट नहीं दिया बल्कि रहाणे के साथ मिलकर एक बड़ी साझेदारी निभाई और टीम इंडिया को मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए संघर्ष करते रहे। तो वहीं रहाणे और शार्दुल ठाकुर ने आज शुरुआत से ही तेज गति से रन बनाए और लंच से पहले ही ये जोड़ी शतकीय साझेदारी करके भारतीय टीम को इस मुकाबले में बनाए रखा। आज टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यही थी कि पहले सत्र में सिर्फ एक ही विकेट गंवाई। शुरुआत में श्रीकर भरत के विकेट के बाद रहाणे और शार्दुल ठाकुर ने बखूबी पारी को संभाला और 7वें विकेट के लिए 100 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी ऑस्ट्रेलिया को आज पहले सत्र में बैकफुट पर ढकेल दिया। इसके लिए रहाणे और शार्दुल ठाकुर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। दोनों बल्लेबाजों ने लंच से पहले ही 124 गेंदों में 103 रन की नाबाद साझेदारी करके भारतीय टीम का स्कोर को 260 रनों के पार पहुंचा दिया। इस दौरान जहां रहाणे 90 रन बनाकर खेल रहे थे और सिर्फ 10 रन अपने शतक से दूर
दूर थे। साथ ही शार्दुल ठाकुर भी 36 रन बना चुके थे। वहीं टीम इंडिया 210 रन अभी ऑस्ट्रेलिया से पीछे थी, मतलब टीम इंडिया इस मुकाबले में पूरी तरीके से वापस आ चुकी थी।